डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। भारत में किलों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में कई राजाओं ने राज किया है और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए किले भी बनवाए हैं। यहाँ ऐसे कई प्राचीन किले हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। एक ऐसा ही किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तटीय गांव मुरूद में स्थित है, जिसे मुरूद जंजीरा किला के नाम से भी जाना जाता है। इस किले की खासियत ये है कि ये बीच समंदर यानी अरब सागर में बना हुआ है। मुरूद जंजीरा किला भारत के पश्चिमी तट का एकमात्र ऐसा किला है जो कभी भी जीता नहीं जा सका। अब आपको बताते हैं इस किले के बनने की कहानी। इसका निर्माण अहमदनगर सल्तनत के मलिक अंबर की देखरेख में 15वीं सदी में हुआ था। 15वीं सदी में राजापुरी के मछुआरों ने खुद को समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए एक बड़ी चट्टान पर मेधेकोट नाम की लकड़ी का किला बनाया। इस किले को बनाने के लिए मछुआरों के मुखिया राम पाटिल ने अहमदनगर सल्तनत के निजाम शाह से इजाजत मांगी थी। बाद में अहमदनगर सल्तनत के थानेदार ने इस किले को खाली करने को कहा तो मछुआरों ने विरोध कर दिया। फिर अहमदनगर के सेनापति पीरम खान एक व्यापारी बनकर सैनिकों से भरे 3 जहाज लेकर पहुंचे और किले पर कब्जा कर लिया। पीरम खान के बाद अहमदनगर सल्तनत के नए सेनापति बुरहान खान ने लकड़ी से बने मेधेकोट किले को तोड़वाकर यहां पत्थरों से किला बनवाया। ये किला समुद्र तल से 90 फीट ऊंचा है। इसकी नींव 20 फीट गहरी है। बताया जाता है कि इसका निर्माण 22 वर्षों में हुआ था। ये किला 22 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 22 सुरक्षा चौकियां हैं। जंजीरा किले का परकोटा बहुत ही मजबूत है, जिसमें कुल 3 दरवाजे हैं, 2 मुख्य दरवाजे और 1 चोर दरवाजा। मुख्य दरवाजों में एक पूर्व की ओर राजापुरी गांव की दिशा में खुलता है तो दूसरा ठीक विपरीत समुद्र की ओर खुलता है। चारों ओर कुल 19 बुर्ज हैं। प्रत्येक बुर्ज के बीच 90 फुट से अधिक का अंतर है। यहाँ के मछुआरे कहते हैं ब्रिटिश, पुर्तगाली, मुगल, शिवाजी महाराज, कान्होजी, आंग्रे, चिम्माजी अप्पा और संभाजी महाराज ने इस किले को जीतने का काफी प्रयास किया था, लेकिन इनमें से कोई भी सफल नहीं हो सका। यही वजह है कि 350 साल पुराने इस किले को अजय किला कहा जाता है। मुरूद जंजीरा किले का दरवाजा दीवारों की आड़ में बनाया गया है, जो किले से कुछ मीटर दूर जाने पर दीवारों की तरह दिखाई देना बंद हो जाता है। कहते हैं कि यही वजह रही होगी कि दुश्मन किले के पास आने के बावजूद भी चकमा खा जाते थे और किले में घुस नहीं पाते थे। यहाँ सिद्दीकी शासकों की कई तोपें अभी भी रखी हुई हैं, जो हर सुरक्षा चौकी में आज भी मौजूद हैं। ये किला 40 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। माना जाता है कि यह किला पंचपीर पंजातन शाह बाबा के संरक्षण में है। शाह बाबा का मकबरा भी इसी किले में है। इस किले में मीठे पानी की एक झील भी मौजूद है। समंदर के खारे पानी के बीच होने के बावजूद यहाँ मीठा पानी आता है। यह मीठा पानी कहाँ से आता है, यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। अमर उजाला.com